हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, अभी मदर्स डे आने वाला है 8 मई को, तो यहाँ पे मैं आप सभी के लिए मदर्स डे स्पेशल ड्राइंग लाई हूँ। तो यहाँ पे आपको जो रेफरेंस इमेज दिख रहा है यशोदा माता का कृष्णा जी के साथ, तो ये रेफरेंस इमेज का आउटलाइन हम लोग कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी इंटरेस्टेड हो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए, ये वीडियो पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा एंड आप भी बिल्कुल परफेक्ट आउटलाइन ड्रॉ कर पाओगे। एंड यहाँ पे जो भी ये सेम रेफरेंस इमेज ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको रेफरेंस इमेज का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लेना। एंड यहाँ पे मैंने लाइक टारगेट रखा है 200, जिसको आप कंप्लीट कर दोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कलर कैसे करना है। तो लाइक टारगेट कंप्लीट कर देना और जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लो विद नोटिफिकेशन बेल, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहने की। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। सो यहाँ रेफरेंस इमेज पे ग्रिड क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऐप यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राइंग ग्रिड फॉर आर्टिस्ट, ये आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। एंड देन हम फोल्डर पे क्लिक करके रेफरेंस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर पेपर साइज भी अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे रेफरेंस इमेज को। तो यहाँ रेफरेंस इमेज पे ग्रिड बन चुका है एंड यहाँ पे साइज ऑफ सेल मैं की हुई हूँ 20 mm। 20 mm का मतलब यहाँ पे जो ग्रिड है वो 2-2 cm के डिस्टेंस पे बना हुआ है। यही अगर आप 30 mm करोगे तो 3-3 cm के डिस्टेंस पे बन जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो बस अभी हमको ये जो ग्रिड हमने बनाया है सेम ग्रिड को हमको अपने ड्राइंग शीट पे भी बना लेना है। तो बहुत सिंपल है, सिंपली यहाँ पे स्केल की हेल्प से 2-2 cm के डिस्टेंस पे हमको मार्क कर देना है। यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ते जाओ, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके एंड मार्क कर दो। एंड सेम चीज को हम इसका अपोजिट साइड है उधर भी कर लेंगे, बट इन दोनों साइड पे हमें 2 से स्टार्ट करना है एंड 28 पे खत्म करना है, यानी कि 2 का टेबल पढ़ते जाओ एंड 28 पे खत्म कर दो, क्योंकि ये साइड थोड़ा सा लंबा होता है एज कम्पेयर टू दूसरा वाला साइड से, तो इसको भी कर लेना है उसी तरीके से। एंड बिल्कुल ये इजी है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको भी ये समझ में आ रहा होगा। एंड बस हो गया एंड बस इसको सिंपली हमको मैच कर देना है स्केल की हेल्प से। एंड गाइज, यहाँ पे मैंने एक तरफ का कर लिया है एंड अभी मैं दूसरी साइड से वाला करने वाली हूँ। तो सिंपली ना जो एंड पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको अच्छे तरीके से स्केल की हेल्प से मैच कर लेना है। तो हमने यहाँ पे ग्रिड कंप्लीट कर लिया है अपने ड्राइंग शीट पे एंड अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा बचा हुआ है। तो अगर आप रेफरेंस इमेज के ग्रिड पे ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ नंबर मेंशन हुए दिख रहे होंगे ऊपर वाले साइड पे एंड नीचे वाले साइड पे, तो इसको कहते हैं लेवल नंबर। इसकी हेल्प से हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं कि कौन से ग्रिड में हमें कौन सा पार्ट ड्रॉ करना है, फीचर ड्रॉ करना है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन से ग्रिड में हमें क्या बनाना है। जैसे ये आइज वाला ग्रिड है, ये नीचे से है 7 पे एंड ऊपर से है 3 पे, तो यही सेम चीज को हम लोग फाइंड कर लेंगे ड्राइंग शीट पे भी कि नीचे से 7 कहाँ है एंड ऊपर से 3 कहाँ है। एंड जहाँ पे भी मैच हो जाएगा ना वहीं पे वो ग्रिड वाला आइस पार्ट को हम लोग बना लेंगे। तो हाँ, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा एक्यूरेट आउटलाइन बनाने में एंड अगर आप अच्छा खासा आउटलाइन बना लेते हो तो आपका ड्राइंग भी बहुत अच्छा बन सकता है, क्योंकि आउटलाइन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हो गया एंड अभी हम लोग आउटलाइन बना स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना जो रेफरेंस का ग्रिड है एंड जो ड्राइंग शीट का ग्रिड है दोनों का साइज इक्वल कर लो ताकि आप बिल्कुल एक्यूरेट बना पाओ एंड आपको हेल्प मिल सके अच्छे से आउटलाइन बनाने में। एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑब्जर्व करना पड़ेगा रेफरेंस इमेज को एंड देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रिड में कौन सा पार्ट आ रहा है। एंड अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो ग्रिड है ना यहाँ पे 2-2 cm में हम लोग बनाए हैं वहाँ पे आप 1-1 cm पे भी बना सकते हो। सिंपली साइज ऑफ जो सेल था उसको कर लेंगे 10 mm, तो आपका जो ग्रिड है वो 1 cm के डिस्टेंस से बन जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आप और एक्यूरेट आउटलाइन बनाना चाहते हो, बट आई थिंक 2 cm बहुत होता है, इससे काफ़ी अच्छा बन भी जाता है। एंड कोशिश करना कि आप रेफरेंस इमेज का जो ग्रिड है एंड जो ड्राइंग शीट का ग्रिड है वो इक्वल रखो ताकि आप बिल्कुल एक्यूरेट बना सको एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है उससे बनाने में। तो आप रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करो, ग्रिड को ऑब्जर्व करो कि सिंगल ग्रिड में कौन सा पार्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आइज है, आइज आप देखोगे तो ये 3 बॉक्स में यानी कि 3 ग्रिड में आ रहा है, तो सबको आपको देखना पड़ेगा कि एक सिंगल ग्रिड में कितना पार्ट आ रहा है आइज का, सेकंड वाले ग्रिड में कितना आ रहा है, उस चीज़ को आप ऑब्जर्व करो कि इंट
एंड कहाँ हो रहा है, स्टार्ट किधर हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंगल आप देखो और उसको ऑब्जर्व करते हुए आप बनाने का कोशिश करो। एंड जितना आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप उतना एक्यूरेट बना पाओगे। अगर कोई फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है, उससे ज़रूरी नहीं है कि अच्छा बने, आप जितनी बार ट्राई करोगे उतनी बार परफेक्ट बनता जाएगा। तो ट्राई करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है यहाँ पे आउटलाइन ड्राइंग हमको। और ये पार्ट वन था जिसमें मैं आपको आउटलाइन बनाना सिखाई हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट टू, उसमें आप कलर करना सीखोगे। तो यहाँ पे लाइक टारगेट जो मैंने दिया है 200, इसको कम्प्लीट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लो विद नोटिफिकेशन बेल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।